गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी बज रहा है 10 या 11 बज रहे होंगे और नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। बस नीचे जाना था मुझे, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। पहले कपड़े धोने भी बाकी है यार, मैं वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं कपड़े, तो वो धुल जाएंगे। डेली डेली का वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी दिवाली आने वाली है, टेंशन आ रहा है बहुत ज़्यादा कि काम नहीं हुआ है अभी तक, और दिवाली पास में ही है तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है। बट कोई नहीं, हो जाएगा। मतलब जितना पॉजिटिव हम लोग रहते हैं ना, उतना ही पॉजिटिव होता है हमारे साथ। तो वही सोच के कर रही हूँ, बस जल्दी जल्दी से कर लूँगी। चलिए नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हुआ है। मंदिर के ग्लास वास तो कल ही आ गए थे, मंदिर के ग्लास लेके आए थे हम लोग। अभी अभी कारपेंटर का काम खत्म हो गया था एक्चुअली, बट कारपेंटर आज आया है और वो अभी ग्लास वास लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, नीचे जाती हूँ और आपको सब कुछ दिखा देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं, पहले देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। तो गाइस, जब मैं नीचे आई थी ना, तब ये उन्होंने लगा भी दिया था, मतलब ये बेसिन का मिरर लगा भी दिया था उन्होंने। और वो जो टेबल टॉप बेसिन है उसके ऊपर का जो टॉप है, मतलब ग्लास है, वो भी लगा दिया था। तो ये कुछ इस तरह से, मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अंदर उसके स्टोन्स आने वाले हैं, उसके बाद उसमें लाइटिंग आने वाली है, तो वो बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, बट अभी तक वो बना नहीं है, तो इसी वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। आज भी नहीं बनने वाला है, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और ये एक्रेलिक डिज़ाइन है, तो ये यहाँ पर लगेगी। एक्चुअली ये जगह इन्होंने छोड़ ही दी थी, तो वो वहाँ पर लगेगी, मतलब उतनी जगह उन्होंने छोड़ दी थी, बाकी का वो उन्होंने माइका लगा दिया था। और इसके अंदर ना लाइटिंग आएगी, तो उसके ऊपर ये जब कटिंग दिखेगी ना लाइटिंग में, बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद आप देख लेना। और मंदिर का लुक कंप्लीट हो जाने के बाद ना, बहुत अच्छा लग रहा है यार मंदिर। मैं मतलब आपको क्या बताओ, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया तो मंदिर पसंद आया है, और मुझे ना मंदिर ही अच्छा चाहिए था। आप लोग इतने दिनों से बोल रहे थे मुझे कि अब आप मंदिर चेंज करो, मंदिर चेंज करो, बट मैं इसी का वेट कर रही थी। एक्चुअली मैंने आपको बहुत से व्लॉग में बताया भी है कि मैं मंदिर का जगह चेंज करने वाली हूँ, मंदिर चेंज करने वाली हूँ, बट फिर भी कमेंट आ ही रहे थे कि मंदिर चेंज करो, मंदिर चेंज करो, वहाँ पर स्टोर रूम में मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्या करें यार, थोड़ा सा बजट का भी देखना पड़ता है। तो जब बजट अच्छे से मतलब हो गया कि हम लोग कर सकते हैं पूरा काम एक साथ, तो इसी वजह से हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। तो एक साथ मतलब कैसे होता है कि एक एक काम करने से अच्छा है एक साथ कुछ काम हो जाए ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा बजट का देखना पड़ता है, और ऐसी चीज़ों में बजट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये मंदिर ही मंदिर बहुत ज़्यादा बजट में चला गया है, मतलब इसके ग्लास वास इतने महंगे हो गए हैं कि आपको क्या बताओ। जब बजट का वीडियो आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा। अगर आप अपने घर में बनवाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो अपने घर में, मतलब ये सारी चीज़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने में क्या होगा, तो आप अपना बजट देख के ही अपने घर में बनवा सकते हो। तो इस तरह से ये मेरा मंदिर फाइनल हो गया, मतलब फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ एक्रेलिक ही लगा है। यहाँ पर ये मिरर लग गया है, उसके बाद ये ग्लास लग गया है, अभी मंदिर के ग्लास लगेंगे। तो वो हम लोगों ने क्या किया था कि गाड़ी में लेके आए थे ना, कार में, तो हम लोगों ने कार में ही रखे थे, क्योंकि अगर निकालते ना तो अद्विक का तो पता ही है आपको, तो अद्विक बहुत ज़्यादा शैतान है, ग्लास वास को हाथ लगा देगा या तोड़ देगा, तो उसकी कोई भरोसा ही नहीं है उसका। तो इसी वजह से हम लोगों ने ना वो ग्लास वास निकाले ही नहीं थे, और उन्होंने भी बोला था हमें कि आप यहीं पर रखना, क्योंकि आपके घर में अगर काम चल रहा हो तो हम लोगों ने गाड़ी में ही रखे थे। तो ये ग्लास अभी साइड के ग्लास है, तो साइड के ग्लास जब लगेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे दिखने वाले हैं। और आपने देखा ये वाले ग्लास डोर के ग्लास है, और बहुत ज़्यादा संभाल के यार इसको लाना भी पड़ रहा था, और बहुत ज़्यादा संभाल के उन्होंने लगाया भी, और अभी भी इसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा उसे, मतलब बहुत ही हल्के से उसको निकालना पड़ेगा, हल्के से लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर ग्लास ही लगाए हुए हैं मंदिर में, इसी वजह से ना बहुत संभाल के उसे यूज़ करना पड़ेगा मुझे। अभी ग्लास वास लग गए तो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाथ वात लगा रही हूँ ना, तो बहुत जल्दी गंदा होता जा रहा है, और उसी टाइम इसको क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो वैसे ही दाग उस पर गिर जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से ग्लास का है ना, तो बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने वाले हैं आगे। बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है ना, तो बहुत दिल को तसल्ली मिल रही है कि नहीं यार, जो मंदिर मुझे चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा ही बन गया। अभी आप देख लेना आगे, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको भी। और इसके साथ वो इलेक्ट्रिशियन भैया भी काम कर रहे थे, वो भी आ गए थे, तो वो भी कामों में लग गए थे। वो एक्चुअली ये नीचे कर रहे थे ना काम, तो इसी वजह से वो ऊपर चले गए थे, उनकी लाइटिंग वगैरह लगानी थी, तो इसी वजह से वो आ गए थे।
तो उनका तो काम लास्ट तक चलेगा, क्योंकि उनकी लाइटिंग का काम तो लास्ट तक चलेगा, क्योंकि ये वायर छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये कारपेंटर भैया, फिर उसके बाद वो लाइट्स वाइट लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी लाइट्स वाइट लग गए ना, इतना सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे ना मंदिर सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपको भी पसंद आने वाला है। और ये यहाँ पर ग्लास लगने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ना टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा है मेरा, मतलब एक एक दिन सोच रही हूँ मैं कि ये काम ख़त्म होगा, बट उसके लिए ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि टेक्सचर वगैरह है ना घर में, तो पेंटर का काम जल्दी नहीं हो रहा है। इसी वजह से मतलब हर एक वॉल को टेक्सचर है, हर एक रूम के एक वॉल को टेक्सचर है ही। और यहाँ पर ना उन्होंने मुझे ये ट्रॉलीज वॉलीज निकाल के दी थी, हम लोगों ने वो जो दीदी आती है क्लीन करने वाली उनसे क्लीन करवा ली थी। और यहाँ पर मैंने इनको बोला था कि लगा दो करके, क्योंकि ये लोग चले गए थे रात को, तो रात को इन्होंने लगा दिया था, तो वो ना अच्छे से नहीं लगा, तो इसीलिए वो वैसे ही रहने दिया था, मतलब अंदर जा ही नहीं रहा था। तो इसी वजह से इनको मैंने बोला कि आप ये थोड़ी सी ट्रॉलीज फ्री कर दो, तो उन्होंने उसमें ऑयलिंग वगैरह की और वो ट्रॉलीज थोड़ा सा ठोक वाक के अच्छे से कर दी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या बोलते हैं इसे, एक्रेलिक कटिंग लग गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी इसके बाद जब वो होगा ग्लास लगेंगे इसके साइड के और डोर के, तो देख लेना, उसका भी दिखा दूँगी आपको। और दिवाली की वजह से ना सब ने काम लेके रखे हैं, तो इसी वजह से उनके दूसरी साइड के भी काम देखने पड़ रहे हैं, ये साइड पे भी काम देखने पड़ रहे हैं, तो इसी वजह से उन लोगों को भी ज़्यादा एग्जर्शन हो रहा है। और पेंटर तो रात दिन काम कर रहे हैं यार हमारे यहाँ के, तो बहुत ज़्यादा उनका एग्जर्शन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, डोर के भी ग्लास लग गए हैं, साइड के भी लग गए हैं, और सब कुछ हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है फाइनल लुक, ज़रूर बताना मुझे मंदिर का। मुझे तो सबसे ज़्यादा घर में मेरा मंदिर ही अच्छा लगा, मुझे अभी बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। मतलब जैसे ही मेरा मंदिर कंप्लीट हो गया ना, तब से पता नहीं अजीब सी एक शांति मिल रही है घर में, कि यार नहीं मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। और मंदिर बहुत सुंदर बना है मेरा, आप लोग बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लगा है। और यहाँ पर ना वो टेबल का साइड का निकल गया था, और ये वाली टेबल का अभी कामों में तो हो ही जाता है वैसे, ये वाली टेबल के ड्रॉअर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने उनसे ठीक करवा लिया, वो तो उन्होंने उसे वो लगा के ठीक कर दिया, क्या बोलते हैं, पट्टियाँ वट्टियाँ लगा के थोड़ा सा उसमें फेविकॉल लगा के ठीक कर दिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भैया का काम हो गया था, ये सीरीज लग गई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये है इसका फाइनल लुक, इसमें फ़ैन लगाना बाकी है, तो वो फ़ैन भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें इतनी मतलब इतना जो गलाट है ना, उसमें फ़ैन भी नहीं दिख रहे थे यार, फिर इन्होंने फ़ैन निकाल के दिए उन्हें। ये यहाँ पे है फ़ैन, एक नया फ़ैन है, और भी जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो फ़ैन थे, तो वो भी फ़ैन लगवा लेंगे मतलब सारे रूम में। तो यहाँ पर मेरा न्यू टेबल देखो, पिछले बार न्यू टेबल लिया था ना, ये न्यू टेबल का पूरा कबाड़ा हो गया है, मतलब वो पोछ वोछ के अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो मेरा कबाड़ा ही दिख रहा है। वो देखो फ़ैन वहाँ पर रखे है निकाल के, और ये रूम का फाइनल लुक इस तरह से दिख रहा है। अभी ये पूरा इसकी चौकट वगैरह होगी ना, तो उसके बाद अच्छा लगेगा। और ये गली देख लीजिए आप, ये गली में भी मतलब ये जो पैसेज है, ये पैसेज भी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये हाँ कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा है या नहीं वो नहीं पता मुझे, बट बहुत सुंदर लग रहा है। ये होने के बाद ना, ये वाइट कलर लिया है ना हमने, वाइट कलर की वजह से इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये, उसमें एक एक सिर्फ एक एक वॉल ही क्या बोलते हैं, एक ऐसे डार्क कलर के लिए है, बाकी पूरा घर में हम लोगों ने वाइट कलर लगवाया है। तो ये नीचे आ गए थे उसके लिए, अपना यहाँ पर किचन की सीरीज लगाने के लिए पीओपी में, तो वो लगा रहे हैं। और इसके बाद का लुक भी आप देख लेना, बहुत सुंदर लग रहा है यार। किचन तो सबको पसंद आया है, किचन का जैसे मैचिंग हो गया है ना, वो पीओपी का कलर भी और इसका फर्नीचर का कलर भी, तो इतना सुंदर लग रहा है ना रियल में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इधर की लगा दी थी उन्होंने लाइटिंग, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सुंदर लग रहा है ये। कैसा है इसका कलर ही चेंज हो गया यार लाइटिंग की वजह से, लाइट का कलर कैसे वार्म रहता है लाइटिंग का, और इसका कलर ग्रीन था तो उसमें ना येलो लग रहा है वो कलर, मतलब बीच में थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है, तो शेडिंग में लग रहा है। और ये भैया माही के मजाक उड़ा रहे थे, माही मतलब माही शूट कर रही थी ये, और माही की वो मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये ऐसे बताना कि भैया बहुत परेशान करते हैं। तो ये है हो रहा है यहाँ पे, बस ये लाइटिंग लगने के बाद भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा किचन, कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना मुझे। ये जो भी हुआ है ना किचन या मंदिर का काम, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पर बन रहा है रात का खाना, वो चले गए थे, पेंटर ही काम कर रहे थे उनका, तो
यहाँ पर रात का खाना बन रहा है, और मैंने ना वो बनाई है मिक्स दाल बनाई है, तो मिक्स दाल वहाँ पर कुकर में पक रही है, और इधर मैंने उसका मसाला रेडी किया है। ट्राईपॉड लगाने के लिए भी जगह नहीं थी यार, तो मैंने क्या किया ऐसे हाथ में कैमरा पकड़ लिया और ऐसे ही शूट कर लिया, जो भी है आप देख लीजिए अभी। तो क्योंकि क्या हो रहा है, ये तामझाम करने के लिए जैसे शूट कर रही हूँ ना, तामझाम करने के लिए जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तामझाम, बट इतने लोगों में ये शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। बट जितना भी हो रहा है शूट मुझसे कर पा रही हूँ मैं, वो उतना आपको दिखा रही हूँ। आपको भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही होगी देखने के लिए, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा तो भी देखने के लिए मिल जाए। छोटे छोटे ब्लॉग्स बन रहे हैं, बट आप मतलब समझ जाइए, और मैं भी क्या कर सकती हूँ, मतलब जितना हो रहा है मुझसे पॉसिबल उतना मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए दाल हो गई थी थोड़ी सी, मतलब कच्ची सी रह गई थी वो, कच्ची सी मीन्स पकी थी वो, लेकिन इतनी ज़्यादा गलनी हुई थी, तो इसी वजह से वो मैंने वैसे ही रहने दी और इसमें डाल दी मसाले में। तो ये सिंपल सा मसाला है अपना, टोमेटो और प्याज का, और उसमें मसाले डाल दिए थे, बस वही मसाला है ये, उसमें डाल दिया है। इसी में मैं अभी काफ़ी देर तक इसे पकने दूंगी, तो ये दाल हो जाएगी। और हाँ, ये जो कढ़ाई है इन्होंने, मतलब ये जो फ्राई पैन है इन्होंने न्यू लाया है, वो ऐसे उन्होंने, उनको मैंने वो क्या बोलते हैं काटने वाला, जो खड़े से काटते हैं, मतलब पता नहीं उसे मैं दिखा दूंगी आपको, उस मुझे हिंदी नाम पता नहीं उसका, तो हमारे यहाँ पे पावसी बोलते हैं, तो वो लाइए। तो उसके साथ ये लोहे का ये भी लेके आए थे, तो बहुत अच्छा खाना बनता है इसमें, और आयरन भी मिलता है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर इसी में खाना बना रही हूँ अभी थोड़ा सा। लेकिन इसका ये है कि धोने के बाद ना वो रेडी हो जाता है, फिर और धोना पड़ता है, जब भी यूज़ करना पड़ता है इसको तो और धोना पड़ता है, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये फ्राई पैन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे दो चैनल है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।